हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन किचन क्रेविंग्स। आज हम बनाने वाले हैं एक यूनिक सी सैलड रेसिपी। नॉर्थ अफ्रीका मोरक्को लेबनन में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये आज हम बनाने वाले हैं लेमनी गार्लिकी हरीसा पोटैटो सैलड। चलिए बना लेते हैं झटपट सी यूनिक सी रेसिपी। तो सबसे पहले हम इसके लिए प्रिपेयर करते हैं हरीसा सॉस। लेट्स बिगिन। हरीसा सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप येलो कैप्सिकम, आधा कप रेड कैप्सिकम, 1/4 कप ग्रीन कैप्सिकम लिया है, 10 टू 15 रेड चिलीज जो ड्राइड रहते हैं वो हमने 10 घंटे पानी में सोक करके रखे हैं, कुछ गार्लिक के क्लव्स लगभग 6 से 7 हमने छील करके रखे हुए हैं। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून जीरा या क्यूमिन सीड्स भी बोलते हैं, 1 टीस्पून अजवाइन एंड 1 टेबलस्पून हम कोरिएंडर सीड्स यूज करेंगे, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस एंड विनेगर। तो ये सब सामान है जो हमें हरीसा सॉस के लिए यूज में आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। हरीसा सॉस बनाने के लिए हमने पैन में 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन एंड 1 टेबलस्पून हमने कोरिएंडर सीड्स को ड्राई रोस्ट करना है। इसमें हम ऑयल यूज नहीं करेंगे, फ्लेम लो रखा हुआ है। ड्राई रोस्ट करने से जो स्पाइसेस हैं उनके ऑयल रिलीज हो जाते हैं, काफी अच्छा फ्लेवर देते हैं ये मसाले। अब हमारे ये रोस्ट हो चुके हैं, मैं फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ, इन्हें ठंडा होने देते हैं और फिर हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। इस तरह से हमने कोर्सली मसालों को ग्राइंड कर लिया है। पैन में हमने 1/4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है, इसमें हम गार्लिक के क्लव्स डाल रहे हैं, थोड़ा सौते कर लेते हैं। गार्लिक मैंने होल लिए हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड ही करना है। हमारे गार्लिक सौते हो गए हैं, हम ऐड करेंगे कैप्सिकम, आप चाहें तो कैप्सिकम को डायरेक्ट फ्लेम में रोस्ट करके भी यूज कर सकते हैं, पर मुझे ये वर्जन ज़्यादा अच्छा लगता है और इजी भी है, क्विक रेसिपी है। ग्रीन कैप्सिकम सौते कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1/2 कप रेड कैप्सिकम लिया है, 1/2 कप येलो कैप्सिकम एंड 1/4 कप ग्रीन कैप्सिकम। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे जो सोक्ड चिलीज थे, हमने लगभग 10 घंटे इनको सोक किया है। इसमें अब हम थोड़े स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। बेसिकली ये एक चिली सॉस है तो काफ़ी स्पाइसेस डलते हैं इसमें, स्पाइसेस को बैलेंस करने के लिए शुगर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट 1/2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर और हमारा तैयार किया हुआ मसाला ऐड करेंगे हम। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा पानी मिलाएंगे, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम हमने सॉस को थोड़ा बॉडी देने के लिए यूज किया है। थोड़ा पानी हम और मिलाएंगे।
बस अब थोड़ा हम चिलीज को कुक हो जाने देते हैं। हम इसे 5 to 6 मिनट्स तक कुक करेंगे, बॉईल हो जाने देंगे। अब हमारे वेजिटेबल्स काफी अच्छे से कुक हो चुके हैं। हम इसमें डालेंगे विनेगर 1 चम्मच और 2 चम्मच हम डालेंगे लेमन जूस। फ्लेम अब ऑफ कर देंगे, इन्हें मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। इस तरह से हमने मिक्सी में एक बार कोर्सली ग्राइंड किया है। अब इसमें हम 1 चम्मच ऑलिव ऑयल भी मिलाएंगे। उसके बाद एक बार और हम मिक्सी में इसे चलाएंगे। इस तरह से रेडी हो गया है हमारा हरीसा सॉस। पैन में मैंने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है, गर्म हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक, 2 से 3 क्लव्स हमने गार्लिक फाइनली चॉप किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉइल्ड पोटैटो लिया है, छील कर उसे हमने डाइस कर लिया है। इसे अब हम सॉटे करेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे। इस तरह से हमें पोटैटोस को क्रिस्पी कर लेना है। इसमें हम ऐड करते हैं सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1/4 चम्मच इसमें मैं ले रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं। पोटैटोस हमारे काफी क्रिस्पी हो चुके हैं। इसमें हम ऐड कर लेते हैं आप स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर, फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 लेमन जूस। मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करते हैं हमारा हरीसा सॉस। मैं यहाँ 2 चम्मच मिला रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम हम ऑफ कर चुके हैं। प्लेट में हमने लेटिस लीव्स को चॉप करके रखा हुआ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे हरीसा पोटैटोस, गार्लिकी लेमनी। तो फ्रेंड्स, रेडी हो गया है हमारा वेरी यम्मी वेरी टेस्टी लेमनी गार्लिकी हरीसा पोटैटो सैलेड। बहुत ही आसान था और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एज अ पार्टी एपेटाइजर्स इसे रख सकते हैं स्टार्टर रेसिपी और एज अ साइड डिश। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कुक विद द बेस्ट।